का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, उनसे रिकवरी करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में उप कृषि निदेशक उदयभान गौतम ने बताया कि फॉर्म भरने के दौरान जल्दबाजी में मृतकों और सरकारी नौकरी करने वालों का नाम सूची में शामिल कर दिया गया था। चलिए बात कर लेते हैं श्रावस्ती की, जहां पर कृषि बिल को लेकर किसानों में रोष देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन उनके द्वारा, वहां पर किसान डटे रहे, जमा हुए हैं। सरकार से अध्यादेश वापस देने की मांग, इनकी बिल वापस देने की मांग, बदहाल बिजली व्यवस्थापक ने अपनी आवाज उठाई। निलंबित थाना अध्यक्ष को बहाल करने पर नाराजगी है इनकी। मलीपुर थाने में बुजुर्ग को पीटने पर दरअसल निलंबन हुआ था। निलंबित थाना अध्यक्ष को गिलौला थाने का दिया गया चार्ज और किसानों का उत्पीड़न बंद करने की मांग इनके द्वारा। किसानों ने मजिस्ट्रेट को 15 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों में गुस्सा व आक्रोश और इसको लेकर ये लोग यहाँ पर जमा हुए कलेक्ट्रेट के सामने परिसर में। ये लोग एकत्रित हुए और कई सारी मांगे जिसको लेकर ये लोग विरोध जताते हुए बिल वापस लेने की मांग इनके द्वारा। किसानों का उत्पीड़न बंद करने की मांग भी इन्होंने यहां पर की है। श्रावस्ती से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर ये किसान यहाँ पर मुखर होते हुए, बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। किसानों से जुड़े बिल के विरोध में राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों ने पूरी रात प्रदर्शन किया। संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास सभी निलंबित सांसद डटे हुए हैं। निलंबित सांसदों से मिलने आज सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चाय लेकर पहुंचे। आपको ये बताएं कि रविवार को राज्यसभा में जब किसानों से जुड़ा हुआ बिल पेश किया जा रहा था, तब चेयर पर डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश बैठे हुए थे और इस दौरान जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी वो बेहद ही निंदनीय, क्योंकि सांसदों ने हंगामा किया, रोल बुक को कथित तौर पर फाड़ दिया, इसके साथ ही माइक को तोड़ दिया गया और इसके बाद राज्यसभा टीवी को म्यूट किया गया। ध्वनि मत से किसानों से जुड़े बिल को पास करा दिया गया। रविवार को हुए हंगामे पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सख्त एक्शन लेते हुए 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया उनकी ओर से। और अब ये जो सांसद हैं वो धरने पर बैठे हुए, धरना जारी है। लेकिन आज ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जब उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह यहाँ पर खुद पहुंचे हैं और देखे उनकी ये गांधीगिरी, चाय लेकर वो पहुंचे और इनकी तारीफ आज हर कोई करता हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की और ये कहा कि ये उनका, जिस तरीके से उन्होंने वो चाय लेकर वहां पर पहुंचे हैं उन सांसदों के पास जिन्होंने किस तरीके से बदतमीजी की, ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनका दिल कितना बड़ा है। और ये जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है उस पर हम सभी को गर्व है और पूरे देश के साथ मैं भी उन्हें बधाई देता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए रविवार की तस्वीर आपको दिखा रहे सांसदों का हंगामा, तो वहीं आज सुबह की तस्वीर उपसभापति की, ये गांधी की। देखिए हम लोग यहां देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ, और ये वो सरकार है जिसने 2014 में किसानों को कहा था फसल के लागत मूल्य के ऊपर 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 50% ज्यादा देना तो दूर, इसी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% ज्यादा नहीं दे सकते। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। और ये एक सांसद होने के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आते पार्लियामेंट में अंदर, हम यहाँ पर आते हैं देश के करोड़ों किसानों का मुद्दा उठाने के लिए, देश के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा उठाने के लिए, देश के 130 करोड़ आम आदमी का मुद्दा उठाने के लिए। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के, संविधान का गला घोट के, अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी ने जबरन ये बिल पास कराया, उसके विरोध में हम लोग बैठे थे रात भर, अभी भी हमारा धरना जारी है। देखिए ये कोई हम यहाँ
इन सांसदों के द्वारा। मोदी सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित बिल पास करवा चुकी है। वहीं अब मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बयान भी दिया। आपको ये बताएं कि 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया। इनमें गेहूँ में 50 रुपये, चना में 225 रुपये, मसूर में 300 रुपये, सरसों में 225, जौ में 75 रुपये, कुसुम में 112 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा क्या क्या है। तो ये बढ़ोतरी जो है वो की गई है ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि पहले से रेट्स में क्या कुछ अंतर आए हैं, नई दरें जान लीजिए। देखिए गेहूं एमएसपी में आपको बता रहे हैं 2020-21 1925, 2021-22 1975, लागत 960, वृद्धि 50 और कमाई में 106%। जौ की अगर बात कर ले तो पहले 1525, अब 1600, लागत 971, वृद्धि 75, कमाई 65%। चना 4875, 2021-22 में एमएसपी 5100 यानी कि बढ़ी हुई एमएसपी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मसूर की अगर बात कर ली जाए तो 4800, 5100 अब, लागत 2864, वृद्धि 300, कमाई 78%। सरसों 4425, 4650, 2415 लागत, 225 वृद्धि, कमाई 93%। कुसुम 5215, 5327 अब नई दरें, लागत 3551, वृद्धि 112 और कमाई 50%। नई दरें हम आपको बता रहे हैं, जाहिर तौर पर इससे काफी लाभ होगा अन्नदाताओं को, धरती पुत्रों को। और ये नई दरें जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए, गेहूं, जौ, चना, उसके भी रेट्स में आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।